हेलो फ्रेंड्स, मैं सपना सुना सिंह, आप सभी का स्वागत है सपना सिलाई सेंटर में। देखिए यहाँ पे मैं 12 इंच की चौड़ाई और 16 इंच की लंबाई ले रही हूँ। तो प्रिंसेस कट की कटिंग है, तो 3 पीस में मैं प्रिंसेस कट की कटिंग करके आज दिखाऊंगी। तो देखिए इसकी आर्म होल की लंबाई 5.5 इंच और शोल्डर 6 इंच, गले की मार्किंग कर रही हूँ 3 इंच पर। तो देखिए अच्छे से पहले 3 इंच पर गले पर मार्किंग कर लेंगे, उसके बाद मैं इस पर लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। तो आप देख रहे होंगे इस वीडियो में मैं कैसे लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक इसी तरह आप भी इसे लाइन ड्रॉ कर लीजिए। तो देखिए लाइन ड्रॉ करने के बाद आप इसकी गुलाई कर लीजिएगा। अब यहाँ पर मैं 1/2 इंच पे मार्किंग कर लेती हूँ जो जाएगा सिलाई के लिए। तो देखिए यहाँ पहले हम 12.5 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। तो जो पट्टी निकालनी है तो पट्टी के लिए हम पहले अच्छे से लाइन ड्रॉ कर लेंगे इसकी भी। तो देखिए यहाँ पर इसकी लाइन ड्रॉ हो गई है। अब हम यहाँ पे 9 इंच पर मार्किंग करें, आप 9 या 10 ले सकती हैं। तो देखिए आप यहाँ पे चेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकती हैं। तो देखिए यहाँ पहले हम यहाँ पे 3.5 इंच पर मार्किंग करेंगे, उसके बाद हम 4 इंच पर हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए सेम वैसे ही मार्किंग हम नीचे भी करेंगे, यहाँ पर भी 3.5 और 4 पर मार्किंग कर लेंगे। तो देखिए मैं ऐसे लाइन ड्रॉ कर लूँगी। तो देखिए इसकी मैं पूरी गुलाई कैसे करती हूँ, तो इसी तरह से रखते हुए हम आर्म होल के पास ले जाएंगे और आर्म होल के पास से ऐसे गुलाई कर देंगे। देखिए यहाँ पे गुलाई मैं 2 इंच पे करूँगी, मैं नीचे की तरफ से 2 इंच ले रही हूँ, यहाँ से मैं अच्छे से गुलाई कर लूँगी। देखिए बराबर रखते हुए जहाँ पे बीच में मार्किंग किए हैं चेस्ट के पास, तो उसको और नीचे की गुलाई से पकड़ते हुए बराबर हम मार्किंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा मार्किंग कर लें कि वहाँ से भी कटिंग की जाती है। और यहाँ पर 1 इंच पर मार्किंग कर मैं इसकी तिरछी मार्किंग कर लेते हैं। देखिए तिरछी मार्किंग करते हैं इस पट्टी को जोड़ने के लिए, जिसे बहुत ही अच्छा पट्टी बनकर तैयार होता है। तो देखिए जो जॉइंट कपड़ा है उसको मैं कट कर लेती हूँ। अब ये कटिंग इसकी हो जाएगी जिसमें लाइन ड्रॉ की हूँ, बिल्कुल इसी तरह मैं कटिंग करूँगी। और यहाँ पर मैं बताई थी कि आर्म होल के पास भी थोड़ी सी कटिंग करनी होती है, तो वहाँ पर भी थोड़ी सी कटिंग कर ली हूँ। अब गले की भी कटिंग कर लेंगे। तो देख रहे होंगे आप इस वीडियो में कि मैं गले की कटिंग कैसे कर रही हूँ, ठीक इसी तरह आप भी इसकी कटिंग कर लीजिएगा। और जितना जॉइंट कपड़ा होगा हम सबको कट करके हटा लेंगे। अब यहाँ पे 2 इंच में इसको छोटा कर लूँगी, क्योंकि यहाँ पे कटिंग जो की थी बिल्कुल बराबर की थी, तो बीच में जो प्रिंसेस कट की कटिंग करते हैं हम, तो उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा होता है, इसलिए हम नीचे वाले पट्टी को हम 2 इंच कट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं इसकी गुलाई की जैसी मार्किंग की थी बिल्कुल उसी तरह कटिंग कर चुकी हूँ। तो देखिए इस तरह बिल्कुल इसकी सिलाई लगानी है। तो हम चले पहले इसकी कपड़े की भी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेरी कपड़े की कटिंग हो चुकी है। अब मैं आपको इन सबको कपड़े को ज्वाइंट करके दिखा देती हूँ। तो देखिए इस तरह हम पहले अस्तर के और कपड़े को अच्छे से हम जोड़ लेंगे। तो देखिए मैं कैसे जोड़ रही हूँ, तो ठीक इसी तरह आप बाकी सारे कपड़े को जोड़ लीजिएगा। अब पूरे जैसे कटिंग किए हैं बिल्कुल उसी तरह किनारे किनारे पर हम इसकी सिलाई लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे एक हो गई है, बाकी सब की भी हम इसी तरह सिलाई लगाएंगे। तो देखिए ठीक इसी तरह मैं बाकी सब पे सिलाई लगा चुकी हूँ। तो चलिए अब मैं इसकी पट्टी की भी सिलाई लगा कर दिखा देती हूँ। तो इसकी पट्टी की सिलाई थोड़ी सी अलग होती है। तो देखिए इस पट्टी की सिलाई कैसे करनी है, तो इस तरह रखते हुए हम नीचे की तरफ से सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरह हम नीचे की तरफ से सिलाई लगा लिए। अब जो थोड़ा सा होता है फोल्ड कर हम बिल्कुल जो सिलाई लगाई थी उसके साइड में हम सिलाई लगाएंगे, जो फिनिशिंग की सिलाई होगी। तो देखिए ठीक फिनिशिंग की सिलाई लगाने के बाद हम इस तरह इसको फोल्ड कर लेंगे बराबर करते हुए, और हम पूरे पे सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह हम बराबर को करते हुए चारों तरफ जो खुला भाग है उस पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो आप देख रही होंगी इस वीडियो में कि मैं कैसे सिलाई लगा रही हूँ बिल्कुल बराबर करते हुए, तो ठीक उसी तरह अभी इसको बराबर करते हुए सिलाई लगा लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे सिलाई लग गई है। तो चलिए अब हम इसकी पूरी सिलाई कर लेते हैं। तो देखिए इसको जॉइंट कैसे करना है, इस तरह रखते हुए हम इस कपड़े की सिलाई लगाएंगे। तो देखिए हम यहाँ पर आर्म होल से सिलाई लगाना शुरू करेंगे, जिससे कपड़ा बराबर हो, तिरछा बिल्कुल भी ना हो। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा गुलाई है, तो गुलाई में डायरेक्ट सिलाई नहीं हो पाती, तो थोड़े थोड़े सिलाई लगाना, रुक रुक कर सिलाई लगाना पड़ता है, कपड़े को बराबर करते हुए सिलाई लगाना होता है। तो ध्यान दीजिएगा, एक ही बार में सिलाई लगाते हुए मत चले जाइएगा, रुक रुक कर बराबर कपड़े को करते हुए सिलाई लगाइएगा, बिल्कुल जैसे गुलाई में कटिंग की है बिल्कुल उस कटिंग के हिसाब से सिलाई लगाइएगा।
तो आप इस वीडियो में देखेंगे कि मैं कैसे सिलाई लगाई हूँ, तो ठीक इसी तरह आप भी सिलाई लगा लीजिएगा। मैं भी यहाँ पे डबल सिलाई लगा लेती हूँ। तो देखिए डबल सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे पलट के दिखा देती हूँ, बहुत ही खूबसूरत तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इसकी पट्टी की सिलाई लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पर पट्टी की सिलाई लगाने से पहले हम इसकी नाप ले लेंगे। तो देखिए इसकी नाप किस तरह लेनी है, जितना हमें काज बटन के लिए लंबाई चाहिए उतना हम रख कर जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको हम कट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं 1 इंच में पहले कटिंग की थी, मैं दोबारा कटिंग कर रही हूँ इसलिए क्योंकि मैं जो प्रिंसेस कट की कटिंग होती है तो वो थोड़ा सा कपड़ा 2 इंच का जो होता है वहाँ पर सिलाई लगाने के बाद तिरछा हो जाता है, तो वहाँ पर जो मैं 1 इंच की जो कटिंग की थी वो बराबर हो गया था इसलिए मैं यहाँ फिर से 1 इंच की कटिंग की। देखिए 1 इंच की कटिंग करने के बाद मैं इस पट्टी को कैसे सिलाई लगा रही हूँ, तो ठीक इसी तरह आप ही इसकी सिलाई लगा लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे मैं इसकी डबल सिलाई लगा लूँगी। तो देखिए डबल सिलाई मैं लगा चुकी हूँ, अब हम इसकी फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इसकी फिनिशिंग की सिलाई कैसे लगानी है, तो जो सिलाई लगाई थी बिल्कुल उसके बगल में ही उसकी सिलाई लगानी है। तो आप इस वीडियो में देख रही होंगी कि मैं इसकी सिलाई कैसे लगा रही हूँ, तो ठीक इसी तरह आप भी इसकी सिलाई लगा लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे सिलाई लग चुकी है, अब मैं दोनों की सिलाई लगा चुकी हूँ। देखिए दोनों तैयार हो चुका है, अब हम इसकी काज बटन के लिए तैयार करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 1 पट्टी के लिए यहाँ पे 2 इंच ली हूँ और डबल फुल वाली पट्टी के लिए 2.5 इंच ले रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे दोनों की मैं कटिंग कर ली हूँ, इसकी कपड़े की भी कटिंग कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे कपड़े की भी कटिंग हो गई है, अब हम इस कपड़े को जो 2 फोल्ड वाली कपड़े की पट्टी लगती है उसको हम एक तरफ से सिलाई लगा लेंगे पहले। तो देखिए एक तरफ से मैं कैसे फोल्ड करते हुए सिलाई लगा रही हूँ, तो ठीक इसी तरह आप भी सिलाई लगा लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे इसकी सिलाई लग गई है, इस तरह हम इसको फोल्ड करते हुए इसकी सिलाई लगाएंगे, तो उसको ब्लाउज में अटैच करते हुए सिलाई लगाएंगे। तो अभी आपको फोल्ड कर बता देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे हम पहले 1 फोल्ड वाले पट्टी की सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इसमें हुक लगाते हैं, तो यही हुक वाली पट्टी है जो दाहिने साइड लगाई जाती है। तो देखिए हम इस तरह इसको सिलाई लगाकर पलट लेंगे और जो सिलाई लगाए थे उसके जस्ट बगल में सिलाई लगाएंगे जो फिनिशिंग की सिलाई होगी, जिसको पलटने के बाद बहुत ही खूबसूरत पट्टी बनकर तैयार होगी। तो देखिए इस तरह हम डबल फोल्ड करते हुए इसकी सिलाई लगा लेंगे किनारे पे, जिसे फोल्ड करने में बिल्कुल आसानी हो। तो देखिए इस तरह हम बराबर करते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पे इसकी सिलाई लग गई है, अब ठीक इसके नीचे फोल्ड करते हुए हम फिनिशिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पे इसकी सिलाई लग चुकी है, तैयार हो चुका है। तो ठीक इसी तरह हमें दूसरे पार्ट पे भी सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस पे मैं डबल फोल्ड वाले जो पट्टी होते हैं उसको लगाया जाता है, जिसमें हम आई बनाते हैं। तो देखिए हम इस पे आई कैसे बनाते हैं, तो इस तरह हम किस सिलाई लगा लेंगे, जो खुला भाग था उसमें हम सिलाई लगा रहे हैं और जो मैं सिलाई लगा चुकी थी एक तरफ उस पर हम एक और सिलाई लगा लेंगे, जिससे हम क्योंकि मशीन से हम इस पे आई बनाएंगे। तो आप देख सकती हैं इस वीडियो में कि मैं इस पे कैसी मशीन से सिलाई बनाने वाली हूँ। तो देखिए उससे पहले हम यहाँ पे एक डबल सिलाई लगा लेंगे, जिससे एकदम फिनिशिंग की सिलाई पहले से ही हो जाए। तो देखिए हम इस यहाँ पे आई बनाने के लिए हम कैसे पहले मार्किंग कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 1/2 इंच सिलाई के लिए छोड़ते हुए, क्योंकि गले पे भी पट्टी लगानी होती है तो इसलिए मैं 1/2 इंच सिलाई के लिए छोड़कर मैं यहाँ पे मार्किंग की हूँ। इस तरफ फोल्ड करते हुए मैं बीच में भी मार्किंग कर लूँगी, जहाँ पर मोड़ आएगा बिल्कुल उस मोड़ पर मार्किंग किया जाएगा। तो देख सकते हैं आप इस वीडियो में कि मैं कैसे इसकी मार्किंग कर रही हूँ, जिससे आई एकदम बराबर हो। तो जो मोड़ आया है मैं उसी मोड़ पे मार्किंग की हूँ। तो देखिए इस तरह हम मोड़ पे सिलाई लगाएंगे, जैसे डायरेक्ट मैं मशीन से आई बनाना आपको बताती हूँ। तो देखिए इस तरह हम तिरछे में कपड़े को कर लेंगे, उसके बाद हम इस पे आई बनाएंगे। तो आप इस वीडियो में देख रही होंगी कि मैं इस पे आई कैसे बना रही हूँ, तो ठीक इसी तरह आप भी इसके लिए आई बना लीजिएगा। तो देखिए इसी तरह हम बार बार जो मार्किंग किए हैं वहाँ पर हम तिरछे में सिलाई लगाएंगे आई को बनाते हुए। इसी तरह देखिए मैं बाकी सारे आई को सिलाई कर लूँगी। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो देखिए यहाँ पे सारे आई की सिलाई हो गई है। तो चलिए अब देखिए हम आपको दिखा देते हैं आई की सिलाई कितनी खूबसूरत बनकर तैयार हो चुकी है, तो आप ऐसा ज़रूर बनाइएगा। तो देखिए अब यहाँ पे हम इसकी गले की सिलाई लगाएंगे।
तो गले के देखिए मैंने 1 इंच की तिरछी पट्टी कट कर चुकी हूँ। तो देखिए पैपन बनाने के लिए हमेशा तिरछी पट्टी ही कटिंग कीजिएगा, तो मैंने कटिंग पहले ही कर चुकी थी। तो अब इसको गले पर रखते हुए मैं पूरे गले पर स्टिचिंग की सिलाई लगा लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे सिलाई लग चुकी है, अब इसको फोल्ड कर किनारे पे सिलाई लगाऊंगी। तो देख सकते हैं आप इस वीडियो में कि मैं किनारे पे सिलाई कैसे लगाई हूँ। तो देखिए अब इसको नीचे की तरफ फोल्ड करते हुए हम इसकी पाइपन बना लेंगे। तो आप चाहे तो इसकी फोल्ड कर आप इसकी पट्टी भी बना सकती है, अगर नहीं बनाना चाहती तो आप इसकी पाइपन भी ऐसे बना सकती हैं। तो देखिए यहाँ पे पूरे पाइपन तैयार हो चुका है, इसी तरह हम दूसरे गले पे भी बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पे दोनों गले पे तैयार हो चुका है पाइपन। तो आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मेरे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।